वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो फैन वर्ल्ड। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था एक सुपर अल्टीमेट फार्म, जिसके अंदर आज अपन बची कुछ मशीनें लगवाने वाले, क्योंकि बाकी सब तो मैंने ऑफलाइन उसमें लगा दिया है, और आज एक नए एरिया को एक्सप्लोर करके आने वाले। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी अपन अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे अपने सामने लेटस उगी हुई है, इसको ले लेते हैं। और गाइस ये देखो, मैंने जो ऑफलाइन काम किया है उसमें कितना सारा मैंने यहाँ पे फूड प्रोड्यूस कर रखा है। बाकी हाँ, ये अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये यार ये जर्मोनोटेड मैंने ना एक चीज पे असाइन कर रखा है, रुक जाओ एक सेकंड, इसको उठाते हैं और इस वाले पॉट पे असाइन कर देते हैं। ये क्या, मैंने इस पे असाइन कर रखा था। अब ये अभी क्या बना रहा है? अच्छा, ये खाना खा रहा है अभी, तो ठीक है, अभी किसी पे काम नहीं कर रहा, ये करने लगेगा अभी थोड़ी देर में काम। अबे इन बत्तियों को मत जला यार, ये बत्तियां भी हटानी पड़ेगी भाई मेरे को। मैंने बहुत सारी बत्तियां लगा रखी है और ये बत्ती जलाते रहते हैं फिर बैठ के। भाई काम कर ले, काम इधर देख, नीचे काम। अरे तेरी भाई काम करने ही नहीं आ रहा ये आदमी, पता नहीं क्यों। यार कर लेगा थोड़ी देर में, अपने आप कर लेगा। मैं लाइटिंग्स वगैरह हटाऊंगा भाई, कर दे काम, कर दे साले। गाइस ये इस पे असाइन होता है, इसको इस पे असाइन करते हैं, ठीक है, ये इस पे तो असाइन हो ही जाता है आराम से। ओके, अब इस पे असाइन हो गया भाई, पता नहीं क्या आदमी है भाई, पजामा है साले। बाकी गाइस अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मस्त और तगड़ी चीज। ये देखो अपना ये आ गया सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पे इधर की साइड रखी हुई है सारी की सारी मील्स। अभी दो ही रखी हुई है, दो ये है और तीन, हाँ तीन फ्लोर वगैरह बनाने वाली है। तो यहाँ की साइड सारी माइनिंग वाली चीजें रखी हुई है, इधर अपनी रखी हुई है चेस्ट, जो कि भाई सामने से इतनी तगड़ी लगती है ना। और यहाँ पे अपनी ये राज, और इधर की साइड अपना है लॉगिंग फार्म, जहाँ पे गाइस वुड देखो तुम कितना इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि मैंने उसको छोड़ रखा था। ये देखो ये आगे, ये आगे, ये यही काम करता है यहाँ पे, यही काम करता है। बढ़िया भाई, लगा रहे लगा, बेचारा सिक है अभी, थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, ढीला। बाकी इनके लिए खाना वगैरह तो मैंने खूब रख ही रखा है। और इसके अंदर ला के क्यों रख दे रहे हो भाई तुम ये? अबे इसका बहुत तगड़ा खाना बनता है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? एक सेकंड रुको, मुझे देख के आने दो। चलो भाई बनाएगा तूने, ये देखो ये बनाना गाइस खाना सैलेड भाई, बहुत तगड़ी चीज है। इसको और बनवा देते हैं, 30 बन रहा है मैक्स। चल भाई लग जा काम पे, मैं जब तक तुम लोगों को दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर, जिस पे कुछ नहीं है, और शायद फोर्थ फ्लोर पे भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तुम देखो। ये है थर्ड फ्लोर, जहाँ पे गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताना कि मैं यहाँ पे क्या रखवाऊं, क्योंकि मैंने जो है इस फ्लोर पे आधे आइटम रखवा दिए। अब मेरे को लगता नहीं कुछ रखवाना है, क्योंकि ब्रीडिंग फार्म। ओके ये दिखाना तो मैं भूल ही गया गाइस, ये देखो एक ब्रीडिंग फार्म, ये दूसरा ब्रीडिंग फार्म, बस इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी अगर कभी अपने को जरूरत आई ना कि बहुत सारी ब्रीडिंग करवानी है, तब अपन ब्रीडिंग फार्म लगवा सकते हैं। बाकी अभी के लिए इस पे कुछ नहीं है। और ये पता नहीं यहाँ ला के, अरे यार इतना ऊपर ला के क्यों रख रहे हो? इतना ऊपर तो कोई खाना भी नहीं खाता। बाकी गाइस यहाँ पे भी एक फूड पोर्ट लगा रखा है, और इन लोगों के बेड लगा रखे हैं, जिससे कि ये लोग इधर उधर जाके सो जाएं, जाएं को जगह मिले। और इसके अंदर देखते हैं भाई ने क्या इकट्ठा कर रखा है। खैर अब हर फ्लोर पे खाना है ना, तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन यार इतना सारा जो खाना है वेस्ट ज्यादा जाएगा। ये इसको पका देते हैं अपन। अब अपने पास खाना भी खूब होने लग गया है भाई, खाना भी इतना है कि अब दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसने सैलेड वापस पका दिया, इसको उठाओ, इसके अंदर जैम लगा देते हैं, 11 जैम बन रही है। और बाकी इसके अंदर बची हुई बेरीज लगा देते हैं, 334 बेरीज हो रही है। चलो भाई, अरे यार ये लोग वीट प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? वीट प्रोडक्शन भी तो करो भाई। अरे जब टोमेटो का गाइस मैंने एक लगा रखा है, फिर भी टोमेटो इतना उगा रखा है ना इनने, पता नहीं किस। ये देखो ये सोते रहते हैं, एक तो काम पे आके सोते रहते हैं भाई, शर्म नहीं है तुम लोगों को? काम करो काम। चलो छोड़ो गाइस, अभी के लिए मैंने यहाँ पे सारी मशीनें लगवा दी हैं, बाकी जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं यहाँ लगवा दूंगा। अभी चलते हैं अपन कोई मस्त जगह पे, उससे पहले मेरे को अपना पाल टीम सेट कर लेने दो। गाइस अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वो लाल वाला बटन दबा के, बाकी आजकल तो ग्रे आता है वो, जो भी है भाई उसको सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम्हें सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी लेट्स कंटिन्यू द गेम। पाल टीम में मैं लेके जाने वाला हूँ एक, ये फ्रस्ट्रेलियन तो जाएगा ही, फ्लेरिस ले चलते हैं, एनोबिस भी ले चलते हैं, शेडो बीक भी ले चलते हैं, और एक और कोई बंदा दे दो भाई तगड़ा सा, जर्मोनोटेड रख लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। बाकी लेट्स गो, आज किस दिन मैं ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके आने वाला हूँ, क्योंकि इस वाले एरिया में मैं एक बार यहाँ तक गया था, उसके बाद मैंने सोचा था इस जगह को किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो आज चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ आ तो गया हूँ, मेरे पास स्फीयर्स वगैरह है कि नहीं है? अरे यार स्फीयर्स वगैरह भी तो नहीं है मेरे पास। चलो एक काम करता हूँ, ये जो है ना एक कैट्रेस, इसको पकड़ के अपन घर चलते हैं, और थोड़ी बहुत स्फीयर्स लेके आते हैं। वो रहा सामने, कैट्रेस पकड़ने की जगह ये रही। और यार ये मेरे को फ्रस्ट्रेलियन का शैडल बनवाना है, और शैडल पता नहीं कैसे बनेगा यार, क्योंकि अभी उसके लिए लेवल बहुत ज्यादा चाहिए। देखते हैं बन जाएगा। बाकी इसको तो मैं एक झटके में मार दूंगा, 2000 की एचपी नहीं है इसकी तो, और ये खत्म। चल भाई एक सेकंड रुक, गीगा स्फीयर में आएगी क्या? ए अरे अरे मारती क्यों है रे, मारती क्यों है, हाल तुम्हें मारने का नहीं है ऐसे। चलो भाई एंड डन गाइस, बोला था ना बस एक फ्रस्ट्रेलियन का अटैक करवाया और ये अपने पास आ गई। खैर ये पता नहीं कहां ही रह रही थी, ये क्या ये स्टार्टिंग में छुपी रह गई, बाकी बाद में मैंने पकड़ना बंद कर दिया लोगों को। जैसे कि ये भी अभी छुपा हुआ है, कोई बात नहीं इनकी क्या ही जरूरत है, पकड़ लेंगे कभी भी। बाकी सारे बड़े बड़े पैल्स तो पकड़ ही रखे मैंने, और सॉरी गाइस एक जेट ड्रैगन और है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, क्या समझी। चलो भाई अपना फ्लेरिस निकालते हैं और अभी चलते हैं फटाफट से एक, अरे मारने का नहीं मेरे को, एक बार के लिए घर पे चल के आते हैं। लेट्स गो, मैं आ गया हूँ अपने सबसे प्यारे घर पे, क्योंकि अब बेड मैंने भाई उस वाले फार्म पे भी लगा दिया, तो वहां भी मैं सो जाता हूँ, तो कभी कभी यहाँ आता ही नहीं हूँ भाई बहुत बहुत दिनों तक। तो यहाँ बेचारा एक एनुबिस काम करता रहता है, बेचारा छोटा सा मेरा एनुबिस काम करता।
पता है। कोई बात नहीं गाइस, ये लोग इसीलिए हैं काम करने के लिए, तो काम ही तो करेंगे। एक सेकंड रुको, मेरा खाना खत्म हो गया। खाना खा ले रे, खाना खा ले, तुम भी खाना खाओ, एकदम मस्त सैलेड है भाई। इनकी वर्क स्पीड बढ़ जाती है। चलो भाई आज मैं सारा काम करके जाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे को करने अपने सारे आर्मर रिपेयर, इसको रिपेयर करो जो जो रिपेयर हो सकता है। अरे यार रिफाइंड मेटल इंगट कहां से लाऊं तेरे लिए, लेकिन ठीक है लेके आता हूँ, दो सेकंड रुकना। बाकी इसमें भी रिफाइंड मेटल चाहिए, इसको रिपेयर करो, इसको रिपेयर करो। एक गन भी, ओश भाई डबल बैरल भी मैंने कितनी यूज कर दी है देख रहे हो तुम। चलो भाई रिफाइंड मेटल इंगट लेके आते हैं। भाई आज के दिन ही सारे फार्म के चक्कर कट जाएंगे अपने, एक बार फार्म को देख के आ जाना चाहिए कि कैसा चल रहा है काम। हेलो गाइज, सब फिर डिप्रेस हो रखे सालो। भाई तुमसे जब पत्थर नहीं टूटता, तुमने पत्थर तोड़ने का काम ले क्यों रखा है? तुम ही अच्छा पत्थर तोड़ते हो, तो मैं भी बताओ क्या करूं। ओके गाइज, बाकी यहाँ पे रिफाइंड मेटल तो है ही नहीं, मैंने ओके हाँ ये रहना भाई। इसमें गाइज मैंने देखो कितने सारे रिफाइंड इंगट बनवा रखे, इसको मैं घर भी कैसे लेके जाऊंगा पता नहीं। थोड़े बहुत ये बनवा देता हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल वाले इंगट। और अभी मैं घर कैसे जाऊं यार, एक सेकंड को यहाँ तक पहुंचा दे बस मेरे को, एंड लेट्स गो। अब तो चला जाऊंगा फटाफट से, चलो यहाँ पे। और अब इस चेस्ट में रखवा देते हैं ना, बगल में तो है। चल भाई ये रे सारे इंगट, लेकिन इसमें पहले से बहुत सारा सामान पड़ा, इसको लो इसको रखो, एंड लेट्स गो। अभी अपनी सारी चीजें रिपेयर हो जाएगी, जैसे कि हो गया अपना रिफाइंड मेटल हेलमेट और अपना डबल बैरल एंड एक ये मेटल आर्मर। लेट्स गो, अभी मैंने अच्छा वाला आर्मर नहीं पहन रखा ना, हाँ ये वाला होता है एकदम बेस्ट आर्मर, इसको रखते हैं अपने पास। बाकी ये कोल्ड वाला है, एक बार रुको अरेंज करने दो इसे। और यहाँ पे एनुबिस लगा हुआ है ना, फालतू चीज अगर बाहर फेंक दूं तो भाई उसे ट्रांसपोर्ट कर देना, ठीक है। तो इसको बाहर फेंकते हैं, इसको बाहर फेंकते हैं, इसको भी, इसको भी। लेट्स गो, खाना अच्छा खासा है अपने पास, क्योंकि ये जो है ना भाई बहुत तगड़ी चीज है। फिर भी अगर अपन खाना ले जाना चाहें तो एक बार अपने को इसमें चेक कर लेते हैं। ओके इसमें भी खाना नहीं है यार, इसमें खाना रखना पड़ेगा एनुबिस के लिए। चलो ठीक है, एनुबिस काम कर रहा है इतना तो क्या ही खाना खाएगा। अभी शाम का टाइम भी हो गया है, मैं सो जाता हूँ, अगर दिन होती है तो दिन में चलेंगे डायरेक्ट, और सो जाना भाई। ओके गाइस गुड नाइट, एक नया सा दिन हो गया है और आज के दिन अपन निकलने वाले हैं एक नए शहर, नई जगह पे। तो चलते हैं यहाँ पे, और अभी अपने को जाना है इस साइड भाई, ये देखो ये कुछ तो मस्त सी जगह है, और यही जाना है ना अपने को, हाँ बिल्कुल सामने सीधा ही जाना है। फ्लेरिस निकालते हैं अपना और चलते हैं। अबे क्या कर रहा है बाबला है क्या, चल लेना फल, तुम्हारा पीटी क्यों करता है यार? यहाँ पे डियर वगैरह बहुत है भाई। हेलो डियर, रुक जा, एक और कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ये ले रहा था लिफ्ट में। ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड उड़ते हैं जिससे कि अपने को ज्यादा से ज्यादा एरिया दिख सके। बाकी भाई ये भी कितना बड़ा एरिया है, प्लेन एरिया, और एक डंजन सामने है। लेट्स गो भाई, कुछ तो मस्त एरिया आ गया है भाई। ये अलग है ना पेड़, मैंने देख रखे हैं। नहीं भाई ये नई बायोम आ गई है, चलते जाओ इसके अंदर। जानवर नहीं, नहीं है जानवर भाई है, कोई बात नहीं भाई, कहीं तो मस्त सी चीज मिलेगी कुछ तो। बाकी नया एरिया खुला है तो ओके, नए बॉसेस नहीं खुले अभी, और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, मिल जाएंगे। बाकी सामने की साइड कोई तो तगड़ा सा पहाड़ है, उससे पहले क्यों ना ये वाला ही पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया जाए। हाँ इधर की साइड चलते हैं, चलो उड़न खोटोला उड़ मेरा। कुछ नया है नहीं भाई, बॉस वगैरह मिल जाए ना तब भी मजा आ जाए। ठीक है एक टावर मेरे को नया मिल गया है, यहाँ पे देखते हैं जाके टावर पे क्या है। चल भाई नीचे चल, नीचे चल, एंड अपन ने ये अनलॉक कर दिया। चलो भाई आगे चलते हैं वापस से। ओके गाइस एक बॉस खुल गया है नया, लेकिन यार वो भी छोटा मोटा सा है, कुछ तगड़ा बॉस हो फाइट करने में मजा आ जाए ऐसा कोई बॉस नहीं है क्या? मिलेगा मिलेगा भाई, ये शायद सामने ही है वो वाला बॉस है? नहीं नहीं ये जो पिलर है पक्का यहाँ पे कोई तो बॉस होगा, और शायद नहीं यार। अबे ऐसे ऐसे पिलर तो उस डंजन के बगल में तो होते हैं सारे गाइस, इसलिए मेरे को लगा कोई नया बॉस होगा, लेकिन मेरा अजम्पशन खराब गया सारा का सारा। चलो भाई हेलो डायनोसोर्स हाउ आर यू, बाकी पुराने राजा महाराजाओं के किले बने पड़े आधे अधूरे से, इनका तो मैं क्या ही करूं। यहाँ पे बाकी कुछ नया मिला तो नहीं, एक बॉस में गाइस मोसांडा लक्स मिल गया अपने को। चलो भाई यही तो चाहिए था, इसको करके आते हैं अपन फाइटम फाइट। और यार मैं घर पे बॉल्स लेने गया था ना, अरे कोई बात नहीं गाइस, हाइपर स्फीयर है मेरे पास 13, उम्मीद है आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेवल का नहीं है, 31 लेवल का है, बट आ जाए यार। रुक जाओ किधर की साइड है यार, थोड़ा पीछे जाना, मैंने बोला था ना गाइस, मैंने बोला था ये पिलर जहां होता ना वहां होता है भाई, मैंने चेक नहीं करा, देख लो बिल्कुल प्रॉपर इसी, अच्छा ये तो रस्ते में ही है, सॉरी सॉरी वो पिलर, पिलर से मत, अबे ये देखो पिलर है भाई वहाँ, पिलर की वजह से ही बंदा है, मैंने बोला था, मेरे अजम्पशन सब सही रहते हैं। ये पहले तो नहीं दिखा भाई, तू क्या कर रहा था, तू पागल है तू साड़े कर क्या, अरे अरे साड़े फ्रॉस्टेलियन छोड़ दी ना मैंने एक बार, तेरे को पता नहीं पड़ेगी कहाँ मर गया तू, देख बोला था मैंने 2000 की देरी पूरी एचपी है कहां से, मार साड़े को, मार मारियो रे मारियो ऑस्ट्रेलियन, एक वो मारियो ऊपर से तीर छोड़ता है ना तू, अरे मार दे, अरे कौन गुस्सा हो गया। चलो 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 ये पड़ा, ओ भाई गया गया ये बंदा गया, इसके ऊपर मेरे को लगता है दूसरा बंदा छोड़ना चाहिए लेकिन नहीं, और ये गया खत्म। चलो बस बस बहुत है, अरे मत मारे उसको, वो छोटा सा आदमी है मेरा, उसको लग जाएगी, प्यारा प्यारा आदमी। ए ओए बॉल नहीं है मेरे पे, बॉल खराब कर रहा है यार ये लोग, हो गया काम, दो बॉल तो खराब करा दी इसने, आ जा यार, हां इतना सा आदमी है तू 31 लेवल का
भाई, वन न्यू बॉस अनलॉक्ड। ये बात भाई, छोटे मोटे लोग पंगा लेते रहते हैं भाई, बताओ कोई बात है ये? गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, लगे हाथ भी इसको मार देते, लेकिन ठीक है अभी वो बहुत दूर चली गई, अपन और आगे चलते हैं एक्सप्लोर करने। भाई मिल जाएगा यार एक एक मस्त पेट तो अपने को मिल गया। बाकी इधर की साइड एक बड़ा सारा टावर है, ये मतलब टावर नहीं है, कोई पहाड़ है टेढ़ा सा, क्या पता यहाँ कोई मिल जाए अपने को। देखते हैं इधर की साइड कोई है तो नहीं। यार किसी के साथ तो मेरे को सोलो फाइट करनी है, क्योंकि अब वो जेट ड्रैगन वगैरह है ना, उनके साथ सोलो फाइट करूंगा ना तो यार वो बहुत तगड़ी चीज हो जाती है, उनसे सोलो फाइट की नहीं जाती। मेरे को सोलो फाइट में मारना है भाई, जैसे पहले मजा आता था ना कि मर भी जाते थे कभी कभी, तो उसमें ज्यादा मजा आता था। अब यार वो चार पांच बंदे लाके छोड़ दो, वो मर जाएगा, पता है अपने को, क्योंकि मर जाएगा। ठीक है नीचे की साइड चलते हैं, इधर अपने को शायद कुछ मिल सकता है। और सामने की साइड क्या है भाई वो? ओके सामने ये वाला एरिया दिख रहा है शायद अपने को, हाँ यही एरिया है वो, वहां नहीं जाना, वहां अपन गए हुए हैं। बाकी एक लिफ्ट मक लेते हैं अपन तो, और यहाँ से चलते हैं। अभी अपन चलते हैं इस एरिया में, ठीक है सीधा, मतलब सीधा तो नहीं, वैसे घूमते घूमते चलेंगे, देखते हैं क्या अपने को कुछ नए पेट्स मिल पाते हैं या फिर नहीं। इधर की साइड चलो, इधर ओके, नहीं यार इधर तो पूरा समुंदर ही समुंदर है शायद, कुछ होगा ही नहीं तो जाने का क्या मतलब है फिर। देखो भाई इसके आगे पूरा समुंदर ही है, और वहां पे कुछ दिख रहा है, ये थोड़े से पहाड़ वगैरह। यार एक तो इसमें अनलॉक भी तो नहीं रहता, ऊपर एक ईगल अनलॉक हुई है, ईगल अनलॉक करके आते हैं अपन। एंड लेट्स गो भाई, इसके आगे नहीं जा रहा मैं, आगे कुछ दिख तो रहा नहीं है, वो बस एक छोटे छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं, उस पहाड़ पे भी कुछ होने नहीं वाला मेरे को पता है, पानी में ऐसे पहाड़ है वो। अपन चलते हैं आगे, और मेरे को और कुछ दिखाए, अरे पत्थर देख के खुश हो रहा हूँ मैं। भाई आवाज आई मेरे को किसी की, एक सेकंड रुको, मैप में कोई खुला है क्या? नहीं मैप में भी कुछ अच्छा सा नहीं खुला, आवाज किसकी आई फिर? अच्छा यही हंगरी हो गया है। गाइस यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, एक काम करते हैं यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं, यहाँ पे क्या पता कुछ और नई चीज अनलॉक हो जाए। बाकी रास्ते में अपन इसको भी मारते हुए चलेंगे तो ओके, क्या ही अनलॉक होगा भाई, यहाँ पे सारा समुद्र ही समुद्र है, आधी जगह तो समुद्र भर रखा है भाई। कुछ मस्त मस्त नए नए करेक्टर हो, वैसे शायद एक नया करेक्टर अनलॉक हुआ है डायनासोर जैसा। और ये क्या भाई? गाइस ये जो मर्चेंट है, अरे भैया क्या हुआ, तुम्हें दखल कर दिया क्या किसी ने? ओ गाइस अपने को नए मर्चेंट मिले, क्या बात है, बेचते तुम सब वही हो, बस कोई आइटम कुछ ज्यादा रखता है, कोई आइटम कुछ कम रखता है। बाकी कार्ड बढ़िया यार, तुम लोगों के घर ले जाऊं तो तुमको? अरे बोल दे उस तो भाई। हाँ ओके, इसके पास भी कोई बढ़िया सी चीज है नहीं, लेकिन यार ये कार्ड बढ़िया लग रही है मेरे को तुम लोगों की। तुम लोग यहाँ पे कब आए? नए ऐड हुए ना, नए ऐड हुए ना यहाँ पे, सही सही बताना तुम लोग। बाकी तुम्हारी कार्ड यार जोरदार है। गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गुपचे से उठा लिया जाए। नहीं है मेरे पे इतनी गन वगैरह है नहीं, मेनली मेरे पे स्फीयर्स नहीं है इतनी, और मैंने शायद 30 लेवल वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करी थी, वो बंदा बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। अरे तू बाद में कर लियो ये काम, अरे देख 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 सबर नहीं है तेरे को, है मारेगा पहले लोगों। चलो भाई चलो, अपन इधर की साइड जा रहे थे, और एक टावर है बगल में, और उसी के बगल में अपना एक मस्त सा बंदा है जिसको अपन को मार के आना है अभी। इसको करते हैं अनलॉक, और तू किसको मारने में लग रहा है, रुक जा। हेलो एनुबिस का पुराना टावर, गाइस ये एनुबिस का पूर्वजों का टावर है, पूर्वजों का टावर, पता नहीं क्यों लगा रखा है इसको, एक घर पे लगा हुआ है, काफी नहीं है। बाकी अभी मुझे जाना है इधर की साइड, कहां है वो बंदा, ये रहा सामने की साइड, ये डंजन वंजन में मिलेगा कि ऐसे खुला घूमता है भाई। हेलो बडी, आ तो गया हूं मैं उस तक, वो दिख नहीं रहा, नीचे जाना पड़ेगा गाइस। ओके सामने ये रहा, अबे दो पूछ है भाई की, दो पूछ के साथ 2000 की HPS की, 2 मिनट में मर जाएगा। देख रहे हो गाइस कितने 2 2 2 2 हो गए। चल भाई एक मार इसको, बता दे पावर, बता दे अपनी, बाकी गीगा स्फीयर में पकड़ लेंगे इसको तो है हाइपर। अबे अबे नहीं पागल है क्या तू, क्या कर रहा है? हाइपर स्फीयर नहीं, ना गीगा स्फीयर में पकड़ेंगे। अबे रुक जा एक सेकंड छोटे चुटकुले। चल भाई आ जा, आ जा, कोई बात नहीं बाबू। अबे अबे क्या कर रहा, अरे बकवास मत करी, चल आ जा, आ जा बाबू आ जाओ, ऐसे मत करो। जे बात ये, वन मोर न्यू बॉस गाइस, और रिंग ऑफ रेजिस्टेंस दिए इसने, ये इसने कुछ नया दिया, हर किसी से थोड़ा सा अलग आइटम दिया इसने, लेकिन ठीक है अपने को क्या, अपने को तो पहल पकड़ना था, अपन ने पकड़ लिया। और ये एरिया कुछ तो नया लगा था, लेकिन इस एरिया में कुछ भी नया नहीं है। इधर की साइड चल के देखे तो इधर की साइड भी नहीं है ये जगह, इधर चलते हैं। बाकी इन लोगों ने कोई फालतू सा पैटी पकड़ रखा होगा, छोड़ो इधर जा रहा हूँ मैं। कुछ तो घनी वादियां हैं भाई यहाँ पे, इन घनी वादियों में कुछ घना सा मिल जाए मजा आ जाए। बे इस खुले एरिया में 2-4 बॉस छोड़ देते क्या चला जाता तुम लोगों का, देखना कितना बड़ा खुला एरिया है यहाँ, लेकिन कोई बॉस नहीं है यहाँ। प्लेयर इज जैम बन गाइस, इधर तो कुछ भी नहीं मिला है अपने को, बट सामने कुछ पहाड़ और है, और ये मैप में मेरे अनलॉक, अरे ये घर वाले ही तो पहाड़ है, अरे घूम फिर के कहीं भी पहुंचा देते हैं लोग भाई। यहाँ पे कौन चमक रहा है, अरे अरे लिफ्ट मक चमक रही है, इधर इसको तो बिना मारे पकड़ना पड़ेगा वरना ये पूरी मर जाएगी। चल भाई आजा, मस्त लकी पहल, अरे देख फिर वही बात कर दी ना तूने, अब भगेगी, और मुझे पता था भगेगी। ओले 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 साले, अरे भग क्यों रही है तू, रुक जा, देख पे चलने तो दे आगे, मार खा मार खा थोड़ी सी, अरे आजा ना वैसे ही आजा दे, ओरे देख आजा, बकवास मत करे फालतू की, बता रहा हूं मैं। एंड लेट्स गो, आ गई। चलो भाई छोटे मोटे पहल पकड़ रहा हूं, मेरे को कोई बड़ा पहल मिल ही नहीं रहा भाई। सामने साइड कौन सा, अच्छा कैटरेसी है, मेरे पास डेजी क्लाउड भी नहीं है जो मैं फटाफट से घर भग जाऊं। छोड़ो इसमें बैठते हैं और चलते हैं इधर की साइड से। अभी के लिए गाइस मैं घर पे आ गया हूं, क्योंकि
कि अपने को इस एरिया में इतना ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, बाकी दो पैरल्स मिले थे जो कि अपन ने पकड़ लिए, लेकिन क्यों ना आज के दिन एक ब्लैक मार्केटर को पकड़ा जाए जो कि काफी तगड़ी चीज है यार, जिसके लिए मेरे को अल्ट्रास्फीयर खूब सारी बनवानी पड़ेगी क्योंकि यार वो नखरे करता है बहुत आने में। तो मैं कुछ अल्ट्रास्फीयर बनवाने के लिए रखवा देता हूँ, बट उसके लिए सीमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन बनवाते हैं यहाँ पे सीमेंट। ओके, सीमेंट बना हुआ है 10, अरे 10 सीमेंट का क्या होगा, एक सेकंड रुको, सीमेंट और बनवाना है जिसके लिए बोन्स चाहिए और बोन्स ही नहीं है। वाह, बाकी लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं कुछ फाइट करने के लिए, तो इनको अपन बताते हैं कि फाइट किसे कहते हैं। चलो भाई बाहर आओ सब, मैं जाता हूँ आराम सो के आता हूँ, गुड नाइट गाइस। एंड अबे क्या कर रहे हो तुम लोग क्या, अरे अरे आराम से मारो, आराम से मारो, ऊपर है लोग बाग ऊपर से मारो, अरे ढंग से मारो, क्या कर रहे हो। ये गाइस फाइट हो रखी है एकदम तगड़ी वाली, और ये मेरे ऊपर अटैक आ रहे हैं, लेकिन नहीं मैं, अरे नहीं वो बच गया। अबे बस करो बस, मरे नहीं क्या सारे, कहाँ है, अच्छा दो जने ऊपर की साइड है कहीं, तो मारो 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 साड़ो को मारो। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, दूर से देखूंगा फाइट, इधर की साइड ऊपर बंदे दिखा रहा, ऊपर बंदे तो है ही नहीं कहीं, ठीक है सामने होंगे शायद क्या पता। अरे मारो बे इन लोगों को, क्या कर रहे हो इतनी देर से, तुमसे बंदे नहीं मर रहे बताओ कोई बात। भाई भाई कैसे कचरों की तरह फैल रखे हैं भाई, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, कचरा साफ करने दो भाई, कचरा साफ करने दो। चलो अरे सब अंदर जाओ, सब अंदर चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। भाई ये देखो ये देखना, अरे कचरा लेके जाओ घर पे भाई, कचरा फैला जाते हैं, एक तो यहाँ आते कचरा लग, और ये पेड़ बीच में कहाँ से आया, ये पेड़ आज तक तो नहीं उगता था इस जगह पे, बीच में पेड़ उग रखा है बताओ कोई बात है। चलो गाइस छोड़ो, अपन बनाने वाले थे अल्ट्रास्फीयर्स जिसके लिए मेरे पास सीमेंट नहीं था, और सीमेंट थोड़ा बहुत आ गया है, तो 3 अल्ट्रास्फीयर्स बन जाएगी। अब मेरे को लेके आनी है बोन, और बोन लाने की जगह ना मैं, मेरे पास एक मर्चेंट है, ये रहा वो मर्चेंट, वंडरिंग मर्चेंट, इसको उतारो बाहर, और इधर ओए अबे भक्ता किधर साले, इतना मारूंगा, चल बोन्स दे फटाफट, हाँ यही यही चाहिए, रेती नहीं चाहिए। चल गाइस मैंने कुछ बोन्स बाय कर लिए इससे, अभी जाता हूँ फटाफट से और इसके अंदर बनवाता हूँ सीमेंट। कितना बन रहा है भाई, ओके 28x10 बहुत अच्छा खासा बन जाएगा भाई। चल एनो भी इस काम पे लग जाए, ठीक है। और मर्चेंट भाई साहब ये जो तुम एक उंगली से काम करते हो, मस्त एकदम डिजिटल बंदे हो तुम्हें। अरे कूड़ा करकट उठा दो भाई मेरे यहाँ से, कूड़ा करकट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अभी मेरे को सबसे पहले तो जितनी भी एनोबिस है वो सारी उतारने दो, क्योंकि एनोबिस जो है काम आने वाली है यहाँ पे, खूब सारी एनोबिस बना के रख रखी है, देख रहे हो गाइस। लेट्स गो, ये सब अपने काम पे लग गई है। और भाई अबे देख भाई होड़ देखो होड़, ये इतनी लंबी कि मैं भी बराबर होके काम करूं, अरे साल बुद्धि है तुम। कोई बात नहीं गाइस, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। और शायद यहाँ पे खाना नहीं है, तो मेरे खाना डालना चाहिए। ये लो भाई खाना खाओ तुम लोग, ठीक है खूब खाना है। अच्छा अरे अरे सब भूखे पड़े, आलिया तुमने खाना, लो ये खाओ, तुम्हारी वर्क स्पीड तेज होगी, खाओ सालों खाओ, दो दो नहीं खाना उसमें से, अरे दो दो खा गया ये आदमी, तीन खा, थप्पड़ मार दूंगा साले, क्या कर रहा है उसमें से कम तो हो ही नहीं रही, क्या खा रहा है। चलो खा ली इसने जैसी भी खानी, कौन किसको डिफीट कर रहा है साले, तू इधर इस पे लग नहीं सकता, इस पे कौन काम कर रहा है। अच्छा ये हो गया ना काम, तो यहाँ से निकलना, तू क्या कर रहा है। अरे मेरे इन लोगों के साथ गाइस थोड़ा थोड़ा माता सनका हुआ है, मेरे समझ में नहीं आती करते क्या रहते हैं लोग, इसको हटाओ यहाँ से, ये जो है ये क्या कर रहा है, एक बार देखूं, भैया को सदमा आ गया थोड़ा सा, इधर आओ मेरे साथ में चलो और इस पे काम करो, चलो काम कर, मैं भी काम करवाता हूँ गाइस, काम छोड़ो पहले जितना सीमेंट बनाए इसको इसमें रखवाता हूँ, और इसके बाद वहां चलता हूँ फटाफट से स्फीयर्स, अरे स्फीयर्स वगैरह बनवाता हूँ। चलो इसमें अभी बन रही है 17 स्फीयर्स, और लेट्स गो, इतनी काफी होगी मेरे जहाँ तक, और काफी नई भी होगी तब भी और बनवा देंगे, अभी सीमेंट बन रहा है। ये देखो ये आ गई आ गई आ गए भक्त आए, देखना तीन तीन भाई, ये है ना ये फायदा भाई इस असेंबली लाइन का, क्योंकि इस असेंबली लाइन पे ना कितने भी बंदे लग सकते हैं शायद, और उस असेंबली लाइन पे दो ही बंदे लगते हैं, ये पुरानी वाली असेंबली लाइन है, बाकी 70 और बन गया। ये लोग फटाफट से बना दे मेरी स्फीयर्स, फिर मैं आगे चलूं। लो भाई बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, मेरा हाथ लगने के बाद ना काम इतना तेज हो जाता है, देख रहे। लेट्स गो, इधर की सारी स्फीयर्स बन गई है, फटाफट से यहाँ पे चलते हैं, और इनने कितना काम कर दिया, ठीक है भाई बहुत अच्छा खासा काम कर दिया। हटो सामने से हट जाओ साड़ो भाई, इन लोगों की लेवल भी अपग्रेड हो रही है बस एकदम स्पीड से। चलो भाई अभी, अरे कहाँ चले गए, और बनानी है। अच्छा कार्बन फाइबर भी खत्म हो रखा है, बहुत बढ़िया। ये हटाओ, अब बनाओ तुम लोग कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर के लिए चारकोल चाहिए, और अरे कितना गोंडगोल है भाई, एक बार में डायरेक्ट नहीं बन सकती क्या, पहले चारकोल बनाओ है? चलो भाई मैं चारकोल एक साथ बनवा के रखवा देता हूँ, बहुत सारा काम आता ही रहता है। चल भाई जोर मोनोटाइड बाहर आ, बाहर आके ना उस पे लग जा, इधर ये रहा तेरा फर्नेस, चल काम कर फटाफट, काम कर, काम कर ले गंदे आदमी, क्या कर रहा, देखना 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 कुछ थोड़ा इसको खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली कर रहा है आदमी, काम कर ले, खुजली करना बाद में। अच्छा खाना खा रहा है क्या, खाना खा ले, ये खाओ थोड़ा अच्छा खाना खाओ, हाँ अब उसकी वर्क स्पीड बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसमें देखो शो कर देता है, नहीं शो नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको, इसको लो और इसमें दबाओ चार, और इस पे फीड पे क्लिक करो और ये फीड कर दो, भाई देखना अभी इसका काम देखना बहुत फास्ट करेगा ये। अरे एक ही खिलाया था, दो कैसे खा लिया तूने, चल काम कर काम कर काम कर, स्पीड देखो शायद इतनी स्पीड होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो ये जो आइकन आ रहा है ना यहाँ पे, ये अरे अरे ये ऊपर आइकन आता है भाई, थोड़े वाला आइकन आता है, वो वाला आइकन होता है स्पीड से काम करने का। चलो अभी चारकोल बन जाएगा, ठीक है कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, 13, 14, रुक जाओ थोड़ी देर इसको काम करने दो। अरे देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो भाई कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है जब तक मैं अपना सामान खाली करा के आ जाता हूँ, बचाओ सामान मैं बाहर फेंक देता हूँ। भाई तुम लोगों ने चारकोल बनाया कि नहीं बनाया, चारकोल बना लो चारकोल, ओके 80 चारकोल फाइबर बन रहा है, इस पे लगवा देते हैं अपन सारी एनोबिस वगैरह को, और शायद अच्छा खासा चारकोल बन गया था, है सारा चारकोल खत्म हो गया अपना, भाई सिर्फ 80 चारकोल फाइबर बने और अपना सारा चारकोल खत्म हो गया, मैंने 200 300 कहीं करीबन चारकोल बनाया था। कोई बात नहीं गाइस और बनवा देता हूँ,
240 और इसके अंदर दो ही रखे इसलिए मुझे लग रहा है शायद, या फिर इतना लेता है एक चारकोल फाइबर में, क्या पता भाई। चलो छोड़ो, अभी फटाफट से यहाँ चलते हैं और इसके अंदर और कुछ अल्ट्रा स्फीयर्स बनवा देते हैं। कमी सिर्फ चारकोल फाइबर की आ रही है क्योंकि रिफाइनिंग गट भी खूब है और पैलेडियम फ्रेगमेंट भी खत्म होने वाला है, सीमेंट भी खूब है। चलो अभी इतनी काफी होंगी स्फीयर्स, जब तक मैं इसमें थोड़ा बहुत पैलेडियम फ्रेगमेंट बनवा देता हूँ। इस बार अपन ये बनवा देते हैं 500 करीबन, एंड लेट्स गो। ये भी बनवाने रखवा देते हैं, एक जेमिनोटाइट छोड़ देते हैं पानी वाला, इसको हटाते हैं भाई। एक तो यहाँ पे मैंने ज्यादा पेल्स इसलिए नहीं छोड़ रखे गाइस क्योंकि ये पूरी जगह भर जाती है यार, फिर ऐसे गिचपिच हो जाती है। चलो इसने शायद सारे चारकोल्स बना दिए, एंड लेट्स गो। चारकोल फाइबर ले लेते हैं सारे, और ये देखना चारकोल फाइबर में 5 चारकोल लग रहे हैं तभी सारा चारकोल खत्म हो गया अपना। चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चों का भी चारकोल फाइबर बनवा देते हैं क्योंकि अपन मैक्सिमम टाइम स्फीयर्स ही बनवाते हैं। तो इस स्फीयर्स को उठाते हैं यहाँ से, एंड लेट्स गो। और बन रही है, 5 बन रही है, रखवा देते हैं बनवा के। बाकी मेरे को लगता है कि 30 अल्ट्रा स्फीयर्स में ब्लैक मार्केटर आ जाना चाहिए भाई। ब्लैक मार्केटर ही होता है ना उसका नाम, वो मोटा सा होता है ना, काला सा, और वो मिलने वाला है अपने को कुछ इस जगह पे। ये जो एरिया ना, ये यहाँ पे वो ब्लैक मार्केटर है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि एक बार मैंने उसको यहाँ पे देखा है। चलो अभी रात हो गई है तो सो के चलेंगे अगले दिन, मतलब शाम हो गई है तो वहां पे जाएंगे जब तक रात हो जाती, इससे अच्छा है सोते हैं, एंड लेट्स गो। आज के दिन चलेंगे। अबे चढ़ क्यों जाता, खुद ही के मकान में चढ़ जाता है ये आदमी भाई, हद। तेरे ही मकान है, कोई नहीं लेके जा रहा। चलो अभी अपने को जाना है इधर, और यहाँ से अपन निकालेंगे फ्लैरिस और लेट्स गो। इधर की साइड मार्क है मेरा, इधर सीधा सामने। चलो भाई यही कहीं मिलेगा वो, इसके ऊपर तो नहीं मिलता शायद, नीचे ही मिलता है, ये पहाड़ से उतरते ही यही कहीं। ओके हाँ, ये रहा, यही मिलेगा, यही होना चाहिए। एक सेकंड, अबे होता तो यही है। ओके गाइस, वो रहा, साला ऊपर मर रहा है, मेरे को लगा नीचे होता है यार। मैंने बोला ना इधर नीचे ही होता है, इसके ऊपर तो नहीं होता। लेट्स गो, मार मत। मार दिया, चल अब मार, फिर मार दिया तो मार। ओके नहीं, वो मर जाएगा, फ्लैरिस से पंगे मत ले, इसको मार, मार। ओके लेट्स गो भाई, मेरे को ना ये चाहिए किसी भी कीमत में चाहिए, मर जाएगा ये, पूरा हो जाएगा। मार। अबे ओए बेटे, कहाँ फेंक रहा है उसको भाई, ये गोल घूमता तो फेंक देता भाई बंदे को। नहीं ये मुझे मारेगा। अबे जा कबूतर, ओए भाग रहा है, इधर की साइड नहीं आ जाए, बस इधर की साइड नहीं आई। ठीक है लेट्स गो, और ये आ गया, अच्छा वाला अटैक, एंड डन, खत्म है भाई। एक और अटैक, नहीं, अबे क्या कर रहा, चल, अबे मारियो भाई, इतनी बड़ी मशीन गन है, और देखना ये मशीन गन यहीं छोड़ जाएगा अगर मैं इसको लेके गया हूं तो। मशीन गन साथ में लेके भी नहीं आता, इसलिए तो चाहिए बंदा भाई, मशीन गन बहुत बढ़िया है। ओए बस, ओके आजा, 5% कैप्चर रेट आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 5%। शिट भाई, हेडी स्फीयर्स कम तो नहीं लेके आया मैं, नहीं, आ जाना यार, आजा प्लीज, आजा। ओ बाबू आजा, कहां जा रहा है तू, तेरे कोपड़े पे मारूंगा गोली। यार मेरे पे क्या है, बंदूक में गोलियां भी नहीं है, गोली देखो, ये देखो ये आदमी यही। ओए शिट, रुक जाना, गोलियों पे गोलियां चला रहा भाई, ये देखो ये इंसान बंदूक को यहीं छोड़ जाता है, ये बंदूक भी लेके चलना साथ में। अरे यार रुक जाओ, एक और अटैक करा दो, बस मरना जाए प्लीज, मार इसको, छोटा सा मारियो, मार दे, क्या कर रहा है, मारी खाए, मार लेट्स गो। अबे बंदूक ऊपर की साइड कहां चला रहा भाई, आजा यार, प्लीज आजा। इतनी सारी स्फीयर्स तो मैं वेस्ट कर चुका हूं, नहीं आजा प्लीज, आजा यार। मैं पीछे से मार रहा हूं, कैप्चर रेट 6 हो गई है इसको थोड़ा सा मारने के बाद, लेकिन ये आ ही नहीं रहा है। अबे यार नहीं आएगा, मेरी पूरी 15 स्फीयर्स तो वेस्ट हो चुकी है। इसका क्या तरीका होता है इसको लेने का, मेरे को समझ में नहीं आ रही। आजा प्लीज आजा, आ गया गाइस, फाइनली आ गया भाई। इतना झंझट तो वो भी नहीं करते जो बड़े बड़े पैल्स होते हैं, 15-16 पॉल लेके गया ये भाई, इंसान था जानवर, लेकिन इसने अपने को 10,000 कॉइन दिए, 11,000 कॉइन। लेट्स गो गाइस, इसको मैं जाके देखने वाला हूँ घर पे, फटाफट से चलते हैं। एक दिन बंदूक और नहीं लेके आते अपनी, यार घटिया लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, इधर है अपना टावर और फटाफट से चलो घर पे। भाई पकड़ लिया फाइनली, मेरे को नहीं लग रहा था पकड़ लूंगा भाई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक बार और वेस्ट कर रखी। मैं ऑफलाइन शायद घूमने जा रहा था या फिर वीडियो बना रहा था, पता नहीं भाई, बट मैंने इसको पकड़ने का ट्राई किया था, इसने तब भी मेरी 15 एक बॉल वेस्ट कराई थी। लेट्स गो, इसके अंदर वो ये रहा, नहीं वंडरिंग मर्चेंट है ये तो, कहां गया भाई ये आदमी। ओके ब्लैक मार्केटर, और इसको उतारते हैं बाहर। लेट्स गो भाई, तेरी बंदूक कहां है, मैंने क्या बोला था बंदूक को भी लेके आना साथ में, साले आ गया उठ के भाई। अरे यार ये बंदूक होती है ना जो इनकी इतनी मस्त लगती है, लेकिन ये बंदूक लाते ही नहीं है भाई। खैर छोड़ो, इसकी सेल्स 30-30 सी है, इसको बेच सकते हैं, बस अपन ने घर पे आ गया ना तो इसको अपन पेट्स वगैरह बेच सकते हैं, ये फायदा है। ठीक है, इसको अगर अपन गाइस बहुत सारा पकड़े तो इससे अपने को 11,000 कॉइंस मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज तो वो है, कॉइंस के लिए बहुत सही चीज है। बाकी मैंने 7 मेडिकल सप्लाईज बनवा रखी है, और ये शायद मैंने ऑफलाइन ही बनवाई थी जब मैं अपना फार्म बना रहा था। तो ये जो इंजेक्शन है इनको यहाँ अपने इस फार्म पे इन लोगों को लगाते हैं, क्योंकि ये सारे भाई इंजेक्शन की शिकार हो रखे हैं। देखो ये वीक हो रखा है, इसको यहाँ लो, और ये डिप्रेस हो रखा है, इसको भी लो, और ये भी डिप्रेस्ड है, ये फ्रैक्चर है, इसको तो अलग सही करेंगे। वीक, ओके ये रहा वीक वाला बंदा, और ओवरफुल वीक डिप्रेस, ठीक है चलो इन पांचों को अपन लगा देते हैं इंजेक्शन। एक एक टुई में इनकी, ये लग गया इसकी टुई में, ये लग गया इसकी टुई में, ये लग गया
इसकी टुई में, ये लग गया इसकी टुई। चलो भाई लेट्स गो, इन सबको मैंने इंजेक्शन लगा दिए। अभी एक डिप्रेस वाला बंदा हो रहा है मेरे पास है ना, इसकी भी टुई में इंजेक्शन लगाना। ये लेट्स गो, डन भाई, सबकी टुईयों में मैंने इंजेक्शन लगा दिए। अभी फटाफट मेरे पेल्स मेरे को दे दो। अबे जर्मोनोटाइड क्यों ले लिए मैंने सारे, इतने जर्मोनोटाइड तो नहीं थे मेरे पास, एक तो कोई और था। अच्छा ये रहा, चलो और एक की जगह खाली है यहाँ पे, तो क्यों ना इसके अंदर अपन एक एनुबिस और उतरवा दें। ये रहा एक एनुबिस मेरे पास, फर्स्ट लेवल का ये, बट ओके 20 लेवल का है, अल्सर हो रखा है इसको। ठीक है इसको उतरवा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 20 लेवल का तो है। चलो भाई अभी इनकी टुई पे इंजेक्शन लगा के अपन चलते फटाफट से वापस से घर पे, और घर से मेरे को लानी है थोड़ी फ्रैक्चर वगैरह की दवाई, जो कि मेरे पास अच्छी खासी पड़ी होगी। इसके नहीं, इसके अंदर नहीं है, लेकिन यार थी मेरे पास फ्रैक्चर वाली दवाइयां थी। और भाई ये सारे एनुबिस यहां पे लगे हुए पत्थर तोड़ने में, क्या काम है भाई इतना पत्थर का, पत्थर बहुत है भाई मेरे पास वैसे, लेकिन आप पैलेडियम फ्रेगमेंट बनाने में काम आ जाते हैं, तोड़ने देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी गाइस मेरे को थोड़ी बहुत और प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगले एपिसोड में अपन पकड़ के लाने वाले जेट ड्रैगन, जिसके लिए मेरे को थोड़ी बहुत और सीमेंट बनवाने पड़ेंगे मेरे जाते, क्योंकि सीमेंट वगैरह बनवा के जो है मेरे को अल्ट्रा स्फीयर्स बनवानी है बहुत सारी। अभी बन रही है 11 स्फीयर्स बन रही है, और मेरे पास इस टाइम 18 स्फीयर्स पहले से ही है। लेट्स गो, अच्छी खासी स्फीयर्स हैं, फिर भी अपने को और थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जेट ड्रैगन छोटी चीज नहीं है भाई, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ही फायदे में रहेंगे। पता पड़े वहां जाके अपन अपने सारे पेल्स को मरवा भी लाए, क्योंकि फ्रॉस्टेलियन नहीं मार दिया था भाई सारे पेल्स, और वो तो फायर वाला बंदा अलग है। बाकी अपन अगर कैप्चर रेट बढ़ा नहीं सकते, अपने को 23 चाहिए और मेरे पास सिर्फ 15 ही है। बाकी गाइस अभी अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी में कुछ नया अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपनी लेवल पूरी थी उसके बाद अपन ने अनलॉक नहीं करा था। एंड लेट्स गो, अनलॉक हो रहे हैं, बट हाँ ऐसी कोई तगड़ी चीज नहीं है यार, एक गीगा ग्लाइडर है शायद ये काम आ जाए, और मैट हीट रेजिस्टेंस आर्मर जो कि काम आने वाला है जेट ड्रैगन पकड़ने में। लेट्स गो, इसको अनलॉक करो, इसको अनलॉक करो, बस इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कुछ चाहिए। रेफ्रिजरेटर चाहिए, बट हाँ अभी के लिए 3 पॉइंट्स है, तो कुछ अच्छा मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। छोड़ो कुछ अच्छा तो मिला नहीं, मैं अपना एक आर्मर बनवा देता हूँ। आर्मर किसमें बनता था, इसमें बनेगा ना आर्मर, नहीं आर्मर इसमें तो नहीं बन रहा, नॉर्मल वाली में बनता है क्या भाई? ओके हाँ नॉर्मल वाली में बन रहा है। और ये रहा हीट रेजिस्टेंट रिफाइंड मेटल आर्मर, जिसके लिए अपने पास रिफाइंड इंगट ही नहीं है, और रिफाइंड इंगट इतने सारे तो लाया था मैं, सारे पाल स्फीयर्स बनाने में खत्म हो गए। देख रहे हो कितना रिफाइंड इंगट लग रहा है, बाकी इन लोगों का प्रोडक्शन किस बात का चल रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं लोग। इनके लिए दवाइयां भी लानी थी, लेकिन दवाई अब है नहीं मेरे पास, क्या करूं, ढूंढनी पड़ेगी दवाई। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का काम, क्या चल रहा है, रुक जाओ। एक तो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ओके इंगट इन्हें नॉर्मल वाले बना दिए, रिफाइंड इंगट कितने बन रहे, 40 रिफाइंड इंगट बन रहे, ठीक है इतने में भी काम हो जाएगा। और इनके लिए सबसे पहले भाई स्पेन सिक वाली दवाई लाता हूं, रुक जाओ पड़ी है मेरे पास, इस वाले फार्म पे पड़ी होगी शायद। इसके अंदर सारा आइटम एक ही चेस्ट में जाता है, जो कि है यहां पे बड़ी सारी चेस्ट, देखते हैं इसके अंदर शायद पड़ा हो तो। यार सारी दवाइयां गई कहां, मुझे तो यही नहीं, ओके ये रही ना भाई, ये रही, मिल गई गाइस मिल गई, 6 मिली है, लेकिन शायद 6 में काम होगा नहीं, देखते हैं फटाफट से चल के होगा कि नहीं होगा पता पड़ जाएगा अभी। कुछ नहीं तो 6 लोग तो सही होंगे, और शायद 6 लोग ही बीमार है, 6 लोग से ज्यादा बीमार होंगे भी नहीं, 6 तो मैं पहले सही करके चला गया हूं। ओवरफुल है शायद, ओवरफुल को भी वही लगाते हैं, उससे को भी यही लगाते हैं, एंड फ्रैक्चर को तो ये लगाते हैं। अल्सर वाले बंदे को क्या लगाते हैं, अल्सर वाले बंदे को शायद वो लगाते हैं यार, जो नॉर्मल दवाई आती है ना, ये काढ़ा आता है, काढ़ा पिलाते हैं, क्या पता गाइस। छोड़ो मैं तो ये दवाई खिला देता हूं सबको, ओवरफुल वाले को दवाई खिलाओ, ओके सही हो गया वो, इसको भी दवाई खिलाओ, इसको भी दवाई खिलाओ, इसको भी दवाई खिलाओ, एंड लेट्स गो, सारे सही हो चुके हैं। ये देखो भाई अभी भी स्पेन है, अच्छा इन दोनों को स्पेन है ना, ठीक है इधर आ तू इधर आ, और तेरे को भी सिकनेस है, सिकनेस मिटाऊं तेरी इधर आ भी, ठीक है भाई बराबर दवाई थी अपने पास, सारे सही हो चुके हैं, इसको रखो इधर, इसको रखो इधर, एंड लेट्स गो। अभी इन लोगों का बहुत स्पीड से होने वाला है, इन्हें 250 यहाँ पे और इकट्ठा कर रखा है। बाकी मेरे को चाहिए था रिफाइंड इंगट, जो कि इकट्ठा कर दिया इन्हें, रुक जाओ इधर से लेने दो मेरे को, अरे हट जाओ, एक तो मैंने छोटी सी जगह पर रखवा रखा है सारा आइटम। चल भाई इधर जाने का है अपने को, इधर चल, अबे लो मशीन खराब करा दी मेरी, अरे हराम के पिल्लो हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, ओके मैं आ गया हूँ इसके पास। चल चलते हैं फटाफट से घर पे और अपना आर्मर बनवाते हैं, डायरेक्ट यहाँ चलते हैं, लेट्स गो। चलो भाई मेरा आर्मर बना दो फटाफट फटाफट, और ये आर्मर बनने को रेडी है, लेट्स गो। मैंने बनवा दिया है, थोड़ी देर में बन जाएगा बच्चों। रिफाइंड इंगट मैं अंदर रखवा देता हूँ, और अपना बैकपैक भी खाली करा देता हूँ, लेकिन यार बैकपैक खाली कराने के लिए यहाँ जगह नहीं है, रुक जाओ मेरे को ना थोड़ी बहुत और रिफाइंड इंगट लानी, क्योंकि रिफाइंड मेटल चेस्ट बनवाऊंगा मैं, जो कि बहुत तगड़ी होती है। और उस तगड़ी से पहले ये चीज तगड़ी है भाई, देखो तुम ये देखो तुम भाई, आर्मर है भाई, आर्मर इलेक्ट्रिक आर्मर है, अंदर सब कुछ है। इसको रख देते हैं अपन, हीट रेजिस्टेंस जो मेटल आर्मर है इसको अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब अपने को बस एक गोल्ड वाला और बनवाना है, रिफाइंड वाला, फिर अपना सारा काम हो जाएगा। लेट्स गो, अभी चलते हैं और देखते हैं स्फीयर्स कितनी बनी है, और स्फीयर्स में किस चीज की कमी है, और ये लोग हंग्री है, इन लोगों का हंग्री का इलाज भी करूं। उससे पहले स्फीयर्स और बनाओ तुम लोग, इसमें किस चीज की कमी आ रही है अभी, रिफाइंड इंगट की और एक कार्बन फाइबर, दो चीज कम पड़ेगी, ठीक है वो काम हो जाएगा भाई तुम्हारा। उससे पहले तुम लोगों को मैं खाना खिला देता हूँ, चलते हैं इस वाले फार्म पे। और तुम लोगों ने कितना खाना बना दिया भाई बताना जरा, इसके अंदर ओके इतना सारा लेटस पड़ा इसमें, ठीक है इसके अंदर तू ये बना लेटस पहले तो, और इसके अंदर भी काम कर दिया कर थोड़ा बहुत यार, तू साले पागल है क्या थोड़ा, ठीक है इनके लिए तो अच्छा खासा खाना रखा हुआ है यहाँ पे, ये लोग क्या ही खाते हैं खाना। फटाफट चलते हैं अपने घर पे और इनको खाना देते हैं, भाई लो तुम लोग खाना खाओ, ठीक है ये बहुत सारा खाना लाया, पहले ये खाओ सब जने एक एक आके, ये वाला जिससे तुम्हारी ना स्पीड बढ़ जाएगी भाई। देखो 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 बस, अरे सालो बहुत सारा खा गए तुम एक सेकंड में, नहीं खाने बोला, चलो ये खाओ, ठीक है। इन लोगों का फूड बार एकदम कंप्लीट हो जाएगा, और ये
लोग मस्त काम करने लगेंगे। बाकी मैंने अभी टेक्नोलॉजी से एक और चीज अनलॉक करी थी, गीगा ग्लाइडर, जो कि बनने वाला है शायद इसके अंदर। ये रहा गीगा ग्लाइडर, इसके लिए भी रिफाइंड मेटल। अबे यार रिफाइंड इंगट कितना चाहिए तुम लोगों को, इतना नहीं है भाई, मेरे पास समझा करो थोड़ी बात भाई। अब मेरे को रिफाइंड इंगट पे काम करना पड़ेगा बहुत सारा, जिससे कि मेरा रिफाइंड इंगट आ सके, और रिफाइंड इंगट के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। देखें भाई इन लोगों का क्या काम चल रहा है, एक बंदा फिर डिप्रेस हो गया है, अभी सही करके गया था भाई इनको अभी थोड़ी देर पहले, समझ रहे हो तुम। रिफाइंड इंगट की ऐसी नहीं आती क्या ये मशीन, रिफाइंड इंगट की ऐसी मशीन आती है तो मजा आ जाए, या फिर कोल की। हाँ अबे रिफाइंड इंगट तो बनाते ना अपन ओर और कोल से मिला के, रुक जाओ कोल में मुझे देखने दो, क्या कोल का मेरे को माइनिंग साइट मिलती है, जैसे ओर माइनिंग साइट 2 है ना, वैसे कोल माइनिंग साइट है कि नहीं है। कोल की मशीन नहीं है यार अपने यहाँ कहीं भी, छोड़ो। एक नया भाला खुला है, पता नहीं भाले को शो कर रहा है, और एक पाल ड्रैक में क्या है भाई ऐसा नया, ठीक है कंप्लीट जो इसका क्या करूं मैं। ओके पाल ड्रैक में मोसांडा शो कर रहा है, जो कि आज अपन नया पकड़ के लाए, और इसका हैबिटेट देखते हैं, अननोन हैबिटेट। अभी ये क्या बात होती है, हैबिटेट ही शो नहीं कर रहा है ये तो, इसका कहीं भी मिल जाता है कैसे, या फिर कहीं नहीं मिलता है इसलिए शो कर रहा है। रुक जाओ इसका हैबिटेट देखते हैं, इसका हैबिटेट तो शो कर रहा है, छोड़ो। गाइस यहां पे सिर्फ चारकोल की कमी आ रही है, मैंने अभी देखा यहां पे 413 इतना सारा तो ओर रखा हुआ है, और यहां पे कोल भी रखा हुआ है, बट ओर माइनिंग साइट है ना इसलिए अपने पास ओर की कमी नहीं है, कोल बहुत कम आ रहा है भाई। और रिफाइंड मेटल इंगट बनता है दोनों को मिला के, ये देखो ओर और कोल, और ये अभी बन रहा है 263। लेकिन ठीक है अभी के लिए जितना बन रहा है उतना बनवा देते हैं, लेकिन यार इतने से भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले लेके गया था 300 करीबन, वो हैंड टू हैंड खत्म हो गया। चलते फटाफट से घर की साइड और देखते हैं कि अपन नई असेंबली लाइन बनवा सकते हैं। अपन ने असेंबली लाइन अनलॉक करी थी क्या, एक सेकंड रुको मैं डायरेक्ट बिल्ड में जाके देख लेता हूं कि पाल में तो असेंबली लाइन थी, और प्रोडक्शन और वेपन असेंबली लाइन 2 नहीं आई है अभी अपने पास, वो आ जाएगी लेवल अपग्रेड होते ही। बाकी गाइस मेरे को ये वाला स्टोरेज बनवाना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रिफाइंड इंगट चाहिए, जो कि बन जाएंगे कुछ देर में। और यहां से बड़ा सारा कंटेनर रखा भाई, अभी कंटेनर भी ना कम लगने लग गया, अबे जर्मनो टाइड है, मैंने सोचा इतना बड़ा यहां पे जानवर क्या आया है, कोई बात नहीं गाइस गुड नाइट। आज के दिन देख के आते हैं अपन क्या वहां पे बना है अपना रिफाइंड मेटल इंगट, बन गया क्या भाई, हटना तुम लोग हट। ओके 30 बन गया, चलो हो गया काम, हो गया अपना काम, हो गया इतना ही चाहिए था भाई, इतना ही चाहिए था। मेरे को एक चेस्ट बनवानी है, 2-3 चेस्ट बनवा के रखवा दूंगा, उसके बाद वो कंटेनर हटा दूंगा, क्योंकि इस चेस्ट में बहुत आइटम है भाई, बहुत गूदा है, गूदा बोलते हैं ना, गूदा। ये देखो भाई देख रहे हो कितनी बड़ी चेस्ट बनेगी, इसको रखवाते हैं अपन, नहीं यहाँ नहीं रखवा सकते वरना वो चेस्ट एक्सेस होना बंद हो जाएगी। रुक जाओ यार इसको कहाँ रखवाऊं, ओके इसके यहाँ चुपका के रखवा दिया जाए तो कैसा रहेगा, टू क्लोज टू स्पेशल बॉस है साले कबूतर, ठीक है चलो यहाँ रखवा देते हैं, यहाँ इसको बना दो भाई फटाफट आके। ओ भाई सारी एनुबिस देखना, एक सेकंड में बन जाएगा, 3, 2 और 1, हाँ ये 2-3 मिनट ले रहा था, लेट्स गो। अभी इसके अंदर अपन सारा आइटम खाली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह देखो तुम, इसकी जगह देखो ठीक है, और इसकी जगह देखो बराबर है, और तुम उसकी जगह ऑक्यूपाइड, मतलब वो कितनी जगह ऑक्यूपाइड कर रहा है और ये जगह कितनी ले रहा है भाई, भाई सिस्टम है भाई सिस्टम। 2-3 और बनवानी है मेरे को ऐसी रिफाइंड मेटल चेस्ट, बना देंगे बाद में, अभी के लिए इतना ठीक है। और मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है भाई, फूड की भी और मेरे आर्मर की भी। बाकी वेपन्स के लिए मेरे को थोड़ी बहुत गोलियां बनवानी, जेटर ड्रैगन मारूंगा कैसे मैं, और डबल बैरल में शॉटगन सेल्स डलती है, जिसके लिए मुझे गन पाउडर चाहिए, लेट्स गो। अब थोड़ा सा गन पाउडर भी बनवा देते हैं, और गन पाउडर के लिए भी कुछ चाहिए होगा, नहीं 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 गन पाउडर बनवा सकता हूं मैं, लेकिन एक चारकोल ही तो नहीं है भाई, चारकोल ना बहुत, बस बस बहुत हो गया, बस बहुत हुआ चारकोल, अब जितना बनेगा उतना बनवा दूंगा, 3800 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये अपन बनवाने वाले हैं सिर्फ 1000, और इसको लगवा देते हैं काम पे। अब भाई बहुत तगड़ी तरीके से बनेगा, और जर्मन टाइड ये वाला छोड़ रखा है, एक अपन फायर वाला जर्मन टाइड भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि अपना काम जल्दी जल्दी हो सके। और इसके अंदर खाना भी अच्छा खासा रखा है, अब कोई खाने की भी कमी नहीं आने वाली। हेलो मोसांडा बोल रहा हूँ तेरे को भाई, देख तेरा नाम गलती से गलत निकल गया, सॉरी भाई कहाँ जा रहा है, सॉरी भाई अरे गोली चला दूंगा आंख, ऐसे मत दिखा ऐसे। चलो भाई ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बाहर मत भटको ऐसे यार। चारकोल बन गया, अच्छा खासा बन रहा है चारकोल, अभी बन जाएगी क्या, ठीक है 17 तो बनने लग गया भाई। गन पाउडर, चलो गन पाउडर बनाओ, और जो है शॉटगन सेल्स के लिए मुझे रिफाइंड इंगट भी चाहिए यार, बहुत रिफाइंड इंगट चाहिए, बहुत भाई। अनलिमिटेड रिफाइंड इंगट नहीं बन सकता क्या कहीं से, मतलब एकदम से बहुत सारा यहाँ पे बनता है, अनलिमिटेड ही है बट बहुत धीरे धीरे बनता है। देखो अभी इसने 80, अरे जल्दी जल्दी काम, यहाँ जर्मन ट्राइड नहीं है क्या, 2-4 जर्मन ट्राइड तो 2 छोड़वा रखे मैंने, फिर काम क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। चलो भाई कोई बात नहीं, कर रहे हैं। जब तक इनका स्टेटस देख के आता हूँ भाई, यहाँ पे सारे ओर्स टूटे हुए हैं, हाँ ठीक है ओर्स आते भी जा रहे हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने ओर फार्म पे लगे हुए हैं, ओर फार्म पे भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं, ओर फार्म पे भी नहीं लगे हुए, लेकिन लगे तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ओर फार्म को तो छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कोई भी वो आ जाता है यहाँ पे ओर। बाकी ये चारकोल, अबे इतना सारा चारकोल तो पड़ा है, अंदर क्यों नहीं रखते तुम लोग चार, अंदर रखो इस चारकोल को, 50 चारकोल मिल गया, एक सेकंड, सही है भाई। प्रोडक्शन इतनी गंदी भी नहीं है, अगर कुछ देर यहाँ पे AFK हुआ जाए ना तो काम बन सकता है। मैं AFK आज तक नहीं हूं भाई इस गेम में, जितना खेलता हूं उतना अपने आप यहाँ पे आ जाता है। बाकी इनको हार्ड वर्क पे लगाऊंगा नहीं, वैसे डिप्रेस हो जाते हैं सारे। चल भाई चल जल्दी जल्दी बना दे, और मेरे को यहाँ से जाना, लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं अपने घर पे। और भाई अब ले आया हूँ मैं, ठीक है अब मेरे से नौटंकी मत करना, रिफाइंड इंगट की कमी पड़ रही है, रिफाइंड इंगट की कमी पड़ रही है, बहुत सारा ले आया हूँ, थोड़ा बहुत गन पाउडर और बना दो। तुम कहाँ गया गन पाउडर, बे गिरा चारकोल नहीं है, अरे पागल हो क्या तुम, थोड़े से चारकोल इतना सारा तो है, तुम ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देते हैं लोग। चल भाई फटाफट से गन पाउडर बनाओ, बहुत
सारा, हाँ 105 बन रहा है, पूरा बना दो ठीक है, फिर सल्फर की कमी आ जाएगी, फिर मेरे को वहां सल्फर तोड़ने जाना पड़ेगा। चलो भाई अभी बनवाता हूं मैं शॉटगन सेल्स, और इन्वेंटरी 60 दिखा रहा है, छोड़ो ये बन जाएगी अभी 5x5, मतलब हां ज्यादा नहीं बनेगी 25, रुक जाओ इतनी तो बनवाते हैं जब तक ये यहां पे गन पाउडर और बना रहे हैं। ला भाई गन पाउडर दे, इसको कैंसिल करो और ये बना। चलो भाई अभी मेरे पास मेरी बंदूक में गोलियां आ गई है, और अभी मेरे को चाहिए आर्मर, आर्मर भी है, शील्ड भी अच्छी खासी है, शील्ड इससे अच्छी वाली आई क्या, गीगा शील्ड आती है शायद, गीगा शील्ड ही है मेरे पास, अल्ट्रा शील्ड आती है, हाइपर शील्ड आती है जो तो 43 पे आएगी ठीक है, इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है। इसके बाद अपने को चाहिए हेलमेट, जो कि शायद सबसे बेस्ट वाला हेलमेट मैंने बनवा रखा है, इससे बड़ा भी कोई हेलमेट है नहीं। देखो अभी अपना यहाँ 37 लेवल पे ये हेलमेट अनलॉक हुआ था, और इसके बाद अभी हेलमेट होगा अनलॉक 46 पे। चलो ये भी सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है बे, इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा छोड़ो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काम करते रहो भाई, काम रुकना नहीं चाहिए। अपन एक 20 बोल्ट छोड़ देते हैं, मस्त इलेक्ट्रिसिटी देगा ये, जा रही जा मोटा, ए मोटे कहां जा रहा है, अबे तू गधे, यहां इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रखी है, तू साले पागल है क्या, थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि काम कम कम काम कम काम करते हैं भाई, ये तो असाइन ही नहीं हो रहा इस पे, क्या दिक्कत होगी, हट जा घटिया आदमी है तू, तेरी जगह पे किसी और को छोड़ना पड़ेगा, ये हुई ना बात, लेट्स गो, करने लग गया ये काम, और 1% चार्ज होती शायद अपनी सारी ये मशीनें चल जाएंगी। ओके पावर आ गई है इनमें, पावर आ गई है, और ये लोग काम भी करने लग गए, लेट्स गो, सही है भाई। एक अपन लक्स साबुन को यहाँ छुड़वा के रखेंगे जिससे कि अपना काम होता रहा है, और 21 बॉल्स बन रही है, एक सेकंड ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा रिफाइंड मेटल इंगट ले आया ना मैं, लेकिन उससे मेरे को ना गन सेल्स बनवानी है, फटाफट बनाओ भाई, एक और एनोबिस छुड़वा देता हूँ तुम्हारे लिए मैं, ये लो ठीक है बनाओ। अच्छा एक और तीन ही काम कर सकते हैं क्या इस पे यार, इसलिए मुझे चाहिए कोई अच्छी लेवल वाला, असेंबली लाइन 2 चाहिए इसीलिए मेरे, बाकी गीगा ग्लाइडर नहीं बनाया ना, गीगा ग्लाइडर बना दो एक, चलो फटाफट फटाफट काम करो, अरे जल्दी जल्दी भागो यार, उधर क्या चले जाते हो तोड़ने सालों, पागल हो क्या तुम लोग। बाकी इस चेस्ट में क्या रखा है, ओ इस चेस्ट में भी एक दवाई रखी, देख लो दवाई खूब बनवा रखी है मैंने। चलो भाई मेरे पास एक गीगा ग्लाइडर आ गया है, इसको रखवाते अपन नॉर्मल ग्लाइडर की जगह, भाई मैंने नॉर्मल ग्लाइडर से डायरेक्ट गीगा ग्लाइडर बनवाया देख रहे हो तुम। चलो अभी ये सेल्स ले लिए मैंने, और कुछ बनवा दो इसमें, जब तक मैं ये नॉर्मल जो ग्लाइडर है इसको इसके अंदर रखवा देता हूँ, नहीं जाएगा किसके अंदर, अभी इसी का तो आइटम है, डिफेंस में नहीं आता कि ग्लाइडर, छोड़ो अब तो मेरे पास इतनी बड़ी चेस्ट है इसमें रखवा दूंगा मैं। बाकी अभी मेरे पास मस्त ग्लाइडर हो चुका है, और 60 शॉटगन सेल्स हो चुकी है, बाकी कम है मुझे पता है, और बन रही है ये, अभी 120 सेल्स और बनना बाकी है, बाकी मैंने थोड़ी सी ले ली थी तो 78 हो गई है। और यहाँ पे मैं अब गन पाउडर नहीं बनवा सकता, मेरे पास सल्फर खत्म हो गया है, जेट ड्रैगन को पकड़ने जाएंगे ना तो वहां से सल्फर भी लेते हुए आएंगे ठीक है। जब तक अब बची कुछ इसमें जितनी स्फीयर्स बन रही होगी वो बनवा देते हैं, लेट्स गो 11 स्फीयर्स बन रही है, तू किसको मार रहा साले बावले। डन गाइस, यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है जेट ड्रैगन मारने की, और अब जल्दी जेट ड्रैगन मरने वाला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब बस जेट ड्रैगन मारने का इंतजार है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जाके, बाकी कमेंट्स में बता दो जो जो मैंने इस वीडियो में पूछा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।